तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा गाइस, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपका जो सपोर्ट है गाइस वो मिल नहीं पा रहा है। उम्मीद करता हूँ अब गाइस इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे, हैंडमेड नोट्स है गाइस ये, मैंने वहाँ कोई PDF नहीं बनाई है, कोई मैं PDF नहीं दिखाऊंगा, हैंडमेड नोट्स आपको दिखाने जा रहा हूँ गाइस। उम्मीद करता हूँ आप इसको वीडियो को लाइक करेंगे, अपने साथ शेयर करेंगे और गाइस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइस आपका जो क्वेश्चन है वो है पटकथा तथा संवाद लेखन BA ऑनर सेमेस्टर 2 DUSOL असाइनमेंट का। तो गाइस और जो क्वेश्चन है वो आपका फिल्म और धारावाहिक संवाद लेखन में अंतर बताएं। तो आइए गाइस अब इसका आंसर एक बार आपको दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ, आइए शुरू करते हैं। देखिए आप, फिल्म और धारावाहिक संवाद लेखन में अंतर। तो दोस्तों अभी थोड़ा और बचा है आपका। तो सबसे पहले तो गाइस आपका ये आखिरी में अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं पहला, और दूसरा पॉइंट आपका ये रहा, और इसमें गाइस आगे का आपका ये रहा कुछ पॉइंट आपके। तो गाइस यहाँ ही आपका उत्तर समाप्त होता है पटकथा तथा संवाद लेखन के तीसरे क्वेश्चन का, फिल्म और धारावाहिक लेखन लेखन संवाद में अंतर। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस देखिए, मैंने वीडियो शुरू करने से पहले भी कहा था, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप्स में, अपने सारे दोस्तों के पास, और चैनल पे पहली बार तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।